महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना पार्टी जो दो धड़ों में बटी हुई है, शिंदे गुट और उद्धव गुट। लगातार सवाल यही है कि चुनाव आयोग का फैसला इन दोनों में से किस पर आएगा। दरअसल बड़ी खबर सामने आई है कि बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से शिवसेना की तस्वीर बदल कर रख दी, दो धड़ों में पार्टी बट चुकी है। किसी भी पार्टी की पहचान उसका चुनाव चिन्ह होता है, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं शिवसेना उनकी, तो उद्धव कह रहे हैं शिवसेना उनकी। पार्टी स्थापना से लेकर अब तक धनुष बाण भी शिवसेना की पहचान था, लेकिन अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर हालात कुछ इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इस पर फ्रीज होने का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, इस मामले पर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट से दस्तावेज जमा करने के लिए कहा था। फिलहाल चुनाव ने इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, जबकि अंधेरी पूरी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। दोनों गुट खुद को असली शिवसेना बताते हुए चुनाव चिन्ह पर अपना अधिकार जता रहे हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने पार्टी सिंबल यानी चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया तो उसके लिए भी दोनों गुट ने प्लान बी तैयार किया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का प्लान बी क्या है। एकनाथ शिंदे की बीकेसी मैदान में हुई दशहरा रैली का दृश्य सभी को याद है, जब मंच पर 51 फुट की तलवार की पूजा हुई थी। इतने भव्य तरीके तलवार की शस्त्र पूजा किए जाने पर महाराष्ट्र में चर्चा और अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि चुनाव चिन्ह फ्रीज होने की सूरत में नए चुनाव चिन्ह के लिए यह भी एक विकल्प हो सकता है। बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे ने वहां मौजूद तमाम समर्थकों के सामने 51 फुट की तलवार का पूजन किया था। वहीं अयोध्या के महंत ने उन्हें गदा भी भेंट की है। ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू है कि एकनाथ शिंदे गुट तलवार या फिर गदा को अपना चुनाव चिन्ह बना सकता है। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली के दौरान मंच पर बाघ की तस्वीर थी। शिवसेना के किसी भी कार्यक्रम में धनुष बाण और बाघ की तस्वीर या बैनर होता है, लिहाजा ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट इसे अपना चुनाव चिन्ह बना सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि लगातार जो अपडेट आई थी चुनाव आयोग के फैसले को लेकर, तो दोनों को ही झटका लग सकता है और दोनों को ही नए चिन्ह मिल सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि चुनाव आयोग का फैसला किसके समर्थन में जाता है या फ्रीज करने के मामले पर आता है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है और शिंदे गुट चाहता है कि जल्द से जल्द उन्हें चुनाव चिन्ह मिल जाए। देखना दिलचस्प है कि महाराष्ट्र की सत्ता में अगला रुख क्या होता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।